Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about potency. So everything about potency, ki low potency, high potency and mother tinctures, कब हम लोग देते हैं, किस केसेस में हम लोग देते हैं और कैसे कैसे हम लोग डिस्पेंस करते हैं इनको, ये सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ और कुछ क्लिनिकल टिप्स के साथ. सो लेट्स बिगिन टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज पोटेंसी. सो फर्स्टली तो आता है लो पोटेंसी. तो लो पोटेंसी कब देते हैं, तो पैथोलॉजिकल केसेस. पैथोलॉजिकल केसेस यानी क्या कि है ना, ऑर्गन रिलेटेड केसेस, पैथोलॉजी जहां पे हैम्पर्ड है, जहां पे फंक्शनिंग हैम्पर्ड है, वो टाइप ऑफ केसेस में हम लोग मोस्टली लो पोटेंसी देते हैं. व्हाई लो पोटेंसी, क्योंकि है ना वाइटल पावर, वाइटल एनर्जी पैथोलॉजिकल केसेस में या फिर फंक्शनल डिजीजेस में कम होती है. व्हाट आर नाउ फंक्शनल डिजीजेस, एग्जाम्पल इज आपके किडनी डिसीज इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, लाइक CKD हो गया, फिर गॉल ब्लैडर स्टोन जिसमें बहुत सारे कैलकुलस है विद द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस टू द गॉल ब्लैडर, या फिर बैग ऑफ सैक टू द ब्लैडर सैक, ब्लैडर पाउच, उनको अगर बहुत ज्यादा टेंडरनेस है, स्वेलिंग है एंड देर इज लॉट ऑफ डिपोजिशन, देर इज लॉट ऑफ बाइल जूस इज स्टोर्ड देर जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो टेंडरनेस एंड इमोबिलिटी एंड ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ द स्टोन्स, ड्यू टू दिस रीजन्स. देन हार्ट के कोई भी डिसीज हो या फिर लंग्स का कोई भी डिसीज हो, यू नो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, ये जो सारे वाइटली डिस्टर्ब करने वाले फंक्शनल डिस्टर्बेंस जो रहते हैं उनको पैथोलॉजिकल केसेस बोलते हैं. और ऐसे केसेस में हम लोग लो पोटेंसी ही देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी वाइटल एनर्जी ही लो रहती है इसलिए. देन फिजियोलॉजिकल, फिजिकल सिम्टम्स. तो फिजिकल सिम्टम्स मतलब क्या कि है ना, जो ऐसे बॉडीली लेवल पे, नॉट ऑन माइंड, लेकिन बॉडीली लेवल पे हैम्पर्ड फिजिकल सिम्टम्स जो रहते हैं तो उनको हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, लोअर्ड वाइटल फोर्सेस. सो लोअर्ड वाइटल फोर्सेस मतलब बहुत वाइटल फोर्स है ना डेडलीस्ट डिजीजेस में, लाइक कैंसर हो गया, एड्स हो गया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर कीमोथेरेपी जिनको चालू है, CKD, क्रॉनिक रेनल फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस अटैक, देन दीज टाइप ऑफ डेडलीस्ट डिजीजेस. इनमें क्या होता है कि वाइटल एनर्जी हैम्पर होती है पेशेंट की. वाइटल एनर्जी हैम्पर होती है मतलब क्या होता है कि है ना, मतलब कुछ भी इम्यूनिटी ही नहीं बचती है. मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस में ऐसे होता है कि है ना, मतलब इम्यूनिटी ही नहीं बचती है पेशेंट में, ताकत ही नहीं बचती है पेशेंट में कि है ना, मतलब कुछ कर पाए, कुछ उनके फंक्शंस कर पाए. सो ना इस टाइप ऑफ वाइटली हैम्पर्ड टाइप ऑफ केसेस में हम लोग मोस्टली लो पोटेंसी देंगे. ठीक है, लो इंटेलिजेंट पर्सन. लो इंटेलिजेंट पर्सन मतलब क्या कि है ना, जिनको मेंटल वर्क ज्यादा नहीं रहता, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री में जाने वाले लोग, या फिर सब लोग, ये जो लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस है. तो देखो, डॉक्टर्स आर नॉट डूइंग एनी लेबरस टाइप ऑफ वर्क. हाँ, इफ दे आर डूइंग सर्जरी और समथिंग लाइक दैट, दे आर डूइंग लेबरस वर्क, बट दैट विल अगेन नॉट कंसिडर टू बी अ यू नो लो इंटेलिजेंट वर्क. बट जो फार्मर्स रहते हैं उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है एज कंपेरेटिव टू डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. मार्क दिस वर्ड्स, हाँ, एज कंपेयर टू दिस पीपल्स. ठीक है, तो है ना, जो लेबर काम करते हैं, जो कचरा उठाने वाले जो लोग रहते हैं, या फिर हाउस हेल्प्स जो रहते हैं, जो गार्बेज साइड में गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं, वो वाले लोग जो कचरा उठाते हैं, वो वाले दैट इज गार्बेज कलेक्टर्स, दीज आर डिफरेंट. दे जस्ट टेक द गार्बेज एंड डंप इन टू द एरिया, दैट्स इट. उनका उतना ही काम होता है, दैट इज लेबरस वर्क, बिकॉज दे आर टेकिंग कचरा, नो दे आर टेकिंग ट्रैश फ्रॉम एवरीवेयर एंड दैट इज हेवी टू. सो है ना, दैट इज लेबरस वर्क, बट दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन एज मच एज डॉक्टर्स या फिर लॉयर्स और एनी अदर प्रोफेशन डू. ठीक है, तो ऐसे लोगों में लो पोटेंसी देनी चाहिए. फिर ओल्ड एज में लो पोटेंसी देनी चाहिए, क्योंकि वो खाते पीते हैं, चलते घूमते, दवाई खाते, बस उनको और कोई दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं रहती है. रिटायर्ड टाइप ऑफ लोग रहते हैं तो उनको हम लोग ऐसे देंगे. फिर सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज्यादा इमोशनल या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल नहीं कहूंगी बट बहुत ज्यादा सेंसिटिव मतलब कुछ भी थोड़ा भी हीट सहन नहीं होता है, थोड़ा भी ये स्किन को सहन नहीं होता, ऐसे टाइप ऑफ लोग आते हैं हायर पोटेंसी पे. सो हायर पोटेंसी कब देते हैं हम लोग, तो है ना क्लियरिटी ऑफ पिक्चर, मतलब है ना, हाँ
ये बंदा मुझे समझ में आ गया, इस ये पेशेंट का मुझे रेमेडी मिल गया, आई एम डैम कॉन्फिडेंट, गिव हायर पोटेंसी, स्टार्ट विथ 200 to 1 mm, गिव दैट, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियरिटी ऑफ पिक्चर होना चाहिए आपको, एग्जैक्ट सिमिलिमम, पार्शियल सिमिलिमम नहीं है, एग्जैक्ट सिमिलिमम मिलना चाहिए, तब आप लोग लो हायर पोटेंसी दे सकते हो. हायर इंटेलिजेंस मतलब क्या कि है ना, देखो जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इनको कैसे रहता है कि ना बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत रहती है हर टाइम. अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो है ना, मैं सिर्फ ये पॉइंटर्स रीड कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंटर्स बाय मतलब सोच के, इंस्टेंटली सोच के ही मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करी. सो यहाँ पे क्या हो गया, तो प्रोसेसिंग ऑफ थॉट हो गया ना, एक चेन क्रिएट हो गया, तो प्रोसेस ऑफ दिस थॉट्स, क्रिएटिंग दिस चेन ऑफ थॉट्स, सो ये क्या हो गया, तो ब्रेन का क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज हो गया, राइट. सो हायर इंटेलिजेंस, सो है ना, इसमें इंटेलिजेंस का यूज हो गया, आईक्यू का यूज हो गया, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको इस थॉट प्रोसेस चालू है, लाइक रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे, और है ना मैं आपको है ना एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इसका मतलब क्या कि मैं प्रोसेस कर रही हूँ ना बार बार, एक्सरसाइज या फिर दिमाग पे बहुत जोर डाल रही हूँ. सो ऐसे जो लोग काम करते हैं दिन भर, वो मेंटली एग्जॉस्टेड पीपल जो रहते हैं उनको हायर पोटेंसी देते हैं हम लोग. होम्यो प्रोफाइलैक्सिस मतलब होम्योपैथिक के प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन हम लोग देते, जैसे कोविड था, कोविड में भी प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन हम लोगों ने दिए थे, 200 में दिए थे, 30 में भी दिए थे, किसी किसी ने 1 mm दिया था, ओपियम 1 mm दिया था, कार्बोवेज 200 दिए थे, विराट्रम एल्बम दिया था. सो ऐसे जो प्रोफाइलैक्सिस यूज होते हैं तो ऐसे, ठीक है, हायर पोटेंसी में ही देते वो. सप्रेस्ड केसेस मतलब है ना, कुछ तो केस है एंड दैट इज गॉट सप्रेस ड्यू टू लॉट ऑफ मेडिसिन, तो उसका पावर निकालने के लिए अगर कोई भी मेडिसिन दो तो ना उसका पावर निकालने के लिए हमें कुछ तो हायर डोज ही देना पड़ेगा ना, इसीलिए हायर पोटेंसी. एक्यूट डिसीजेस में क्या होता है कि ना हायर पोटेंसी देंगे एंड विद रिपीटेशन देंगे तो वो जल्दी केस कवर अप हो जाएगा, अगर लो पोटेंसी देंगे और हम लोग क्या राह देखते बैठेंगे, ऐसा नहीं चलता है. ओके, सो एक्यूट डिसीजेस में हम लोग हायर पोटेंसी देंगे. देन मोर मेंटल्स और स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम्स, सो मोर ओवरली मेंटल सिम्टम्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक ओवर सेंसिटिव, या फिर है ना कोई भी केस आती है आपके पास, पीसीओड की केस रहने दो, थायराइड की केस रहने दो, डीवीटी की केस रहने दो, किसी भी केस रहने दो, और है ना आपके पास बहुत ज्यादा मेंटल सिम्टम्स दिखते हैं आपको एंड प्रोमिनेंट मेंटल सिम्टम्स दिखते हैं, हायर पोटेंसी दे दो, बस काम हो गया. मदर टिंचर, सो मदर टिंचर इन एबसेंस ऑफ गुड टोटैलिटी मदर टिंचर कैन बी प्रिस्क्राइब पेशेंट ऑन लाइफ सेविंग डिसीजेस, लाइक कीमोथेरेपी चालू है, लाइफ सेविंग डिसीज नहीं लिखना था यहाँ पे मुझे, सॉरी माई मिस्टेक, लाइफ सेविंग मेडिसिन लाइक कीमोथेरेपीज का, कीमो रेडिएशन, उसके बाद एच आई वी के रेट्रोवायरल वायरल का ट्रीटमेंट, ट्यूबरक्यूलोसिस का ट्रीटमेंट, सॉरी, उसके बाद लाइक डायबिटीज मेलाइटस है, फिर उसके बाद सीकेडी है, फिर उसके बाद क्रॉनिक हार्ट फेल्योर है, या फिर इकोस्प्रीन चालू है जिनको, एवी गोल्ड चालू है जिनको, तो ऐसे टाइप ऑफ लोगों में हम लोग मदर टिंचर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि दे आर नॉट यू नो फंक्शनल हैम्पर नहीं होने देते. क्यों मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करना है, तो है ना फंक्शन हैम्पर नहीं करता है, जो भी मेडिसिन चालू है ना उसकी प्रोसेस को हैम्पर नहीं होती है कभी भी वो प्रोसेस, और मदर टिंचर अपना अपना काम करती है, ये मेडिसिन अपना अपना काम करती है, सो मतलब वो एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं देती, इसलिए मदर टिंचर्स आर वेरी सेफ टू गिव. ठीक है, डेडलीस्ट डिसीजेस में इंटरकरेंट रेमेडी हम लोग एज अ मदर टिंचर दे सकते हैं, पैलिएशन में दे सकते हैं मदर टिंचर, लैक ऑफ वाइटल एनर्जी मतलब लो वाइटल एनर्जी में दे सकते हैं हम लोग. एंड मदर टिंचर का और एक क्लिनिकल टिप ये है कि है ना मदर टिंचर अगर आपको सिमिलिमम मिल गया, पूरा सिमिलिमम मिल गया, तो है ना आपको अगर कुछ और देना है जल्दी क्योर के लिए, सो है ना कुछ भी और रेमेडी देने से अच्छा मदर टिंचर दे देना, वो कोई भी बीच में बैरियर क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, सो या दिस वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर, आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, आई होप इट इज लाइक क्लियर टू यू गाइज, इफ डू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर, थैंक यू.